आज हम बनाएंगे बहुत ही टेस्टी और यम्मी पोटैटो पनीर ट्विस्टर। चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। क्विक एंड सर्व चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। इसके लिए सबसे पहले हम एक बोल में थोड़ा पानी डालकर इसमें नमक डाल के मिक्स करेंगे। अब एक आलू लेंगे, उसका छिलका उतार कर उसको पतले पतले स्लाइसेस कर लेंगे। पानी में नमक इसलिए डाला था ताकि आलू काले ना पड़े। अब इसे कपड़े पर रखेंगे ताकि इसका सारा पानी एब्जॉर्ब हो जाए। अब एक बोल में 200 ग्राम पनीर को लंबे लंबे पीसेस में कट करेंगे। अब उसमें आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डालकर इसे अच्छे से मिक्स करके टोस्ट कर लेंगे ताकि मसाले इसमें अच्छे से चिपक जाएं। अब जो हमने आलू को कपड़े पर रखा था उसे बोल में डालेंगे। अब इसमें आधा छोटा चम्मच नमक, आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर, एक बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर का डालेंगे ताकि ये क्रिस्पी बने। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब एक आलू का स्लाइस रखेंगे, उसके ऊपर पनीर का पीस रखेंगे, टूथपिक से इसे पैक करेंगे। ऐसे सभी को तैयार कर लेंगे। अब गैस पर पैन में ऑयल गरम होने के लिए रखेंगे। जब ऑयल गरम हो जाए तो मीडियम फ्लेम पर हमें अपने पोटैटो पनीर ट्विस्टर को रखना है। एक साइड सिकने के बाद दूसरी साइड को टर्न करेंगे। लीजिए हमारे बहुत ही क्रिस्पी टेस्टी और यम्मी पोटैटो पनीर ट्विस्टर बनकर तैयार हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, हंसते रहें और हंसाते रहें।